हेलो फ्रेंड्स, ऑल ऑफ यू गुड मॉर्निंग। आई एम धर्मेंद्र सर। टुडे डिस्कस पॉलिनोमियल मीन चैप्टर नंबर 3। पॉलिनोमियल हम लोग शुरू कर रहे हैं। हम लोग पिछले चैप्टर लीनियर रियल नंबर या नंबर सिस्टम स्टडी किए थे, उसके सारे कंसेप्ट सीख लिए थे, उसके प्रैक्टिस सेट, प्रॉब्लम सेट सब कुछ सीख लिए, सब सॉल्व कर लिए, तो चैप्टर कंप्लीट हो गया। अब हम लोग नए चैप्टर शुरू कर रहे हैं। वो नए चैप्टर है पॉलिनोमियल मींस चैप्टर नंबर 3। रियल जो रियल नंबर था वो चैप्टर नंबर 2 था, और ये जो है चैप्टर नंबर 3 है, ये पॉलिनोमियल है। तो हम लोग पॉलिनोमियल आज से शुरू कर रहे हैं। तो ओके, तो आइए पॉलिनोमियल में क्या क्या हमें स्टडी करना है, हम उसका सिलेबस पहले लिस्ट कर लेते हैं, फिर उसके बाद वन वन करके उस पॉइंट को हम लोग डिस्कस करेंगे। ओके, तो दोस्तों आइए आज हम लोग शुरू करते हैं पॉलिनोमियल। ओके, तो पॉलिनोमियल में क्या क्या पढ़ना है पहले हम सिलेबस डिसाइड करते हैं। देखिए, मैंने यहाँ सिलेबस लिखा है, ये सिलेबस है, ये चैप्टर के नाम पॉलिनोमियल है और सिलेबस है। सिलेबस में क्या है, फर्स्ट पॉइंट हम लोग डिस्कस करेंगे इंट्रोडक्शन टू पॉलिनोमियल। ओके, सेकेंड जो पॉइंट है वो डिस्कस करेंगे डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल, एंड थर्ड जो पॉइंट है वो डिस्कस करेंगे ऑपरेशन ऑन पॉलिनोमियल, और फोर्थ जो पॉइंट है वो डिस्कस करेंगे सिंथेटिक डिवीजन, एंड फाइव पॉइंट है वैल्यूज ऑफ द पॉलिनोमियल, एंड सिक्स पॉइंट रिमाइंडर थ्योरम एंड फैक्टर थ्योरम। तो इस तरह से हमारे पॉलिनोमियल में टोटल सिक्स पॉइंट है। सिक्स पॉइंट मतलब सिक्स टॉपिक है। सिक्स टॉपिक के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो एक एक टॉपिक मीन्स हम लोग एक एक पॉइंट को हम लोग डिस्कस करते हैं। तो आइए हम लोग पॉइंट नंबर फर्स्ट, जो पॉइंट फर्स्ट है क्या है, पॉइंट फर्स्ट है इंट्रोडक्शन ऑफ पॉलिनोमियल मींस फर्स्ट पॉइंट डिस्कस करते हैं। देखिए, मैंने यहाँ पॉइंट नंबर फर्स्ट लिख दिया है, ये पॉइंट फर्स्ट है इंट्रोडक्शन ऑफ पॉलिनोमियल। तो पॉलिनोमियल से क्या होता है, पॉलिनोमियल किसे कहते हैं, और किस एलजेब्रिक एक्सप्रेशन को पॉलिनोमियल बोलेंगे। ओके, तो इसके बारे में हम लोग यहाँ स्टडी करेंगे। ओके, तो आइए फ्रेंड्स, तो इंट्रोडक्शन टू पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल क्या है उसका मैंने यहाँ डिफिनेशन लिखा है कि एलजेब्रिक एक्सप्रेशन इन विच द पावर ऑफ द वेरिएबल इज अ पॉजिटिव इंटीजर इज कॉल्ड अ पॉलिनोमियल। ओके, यहाँ पर वर्ड दिया है एलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो एलजेब्रिक एक्सप्रेशन आपको पता होना चाहिए कि एलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है, और इसमें बोला कि एलजेब्रिक एक्सप्रेशन इन विच द पावर ऑफ द वेरिएबल, हम किसके पावर के बारे में बात कर रहे हैं, वेरिएबल पर जो पावर होगा उसके, पावर ऑफ द वेरिएबल, द वेरिएबल पर पावर जो होगा उसको हम बोलते हैं पावर इज अ पॉजिटिव इंटीजर। ऑफ पावर क्या होना चाहिए, वेरिएबल पर पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए, इज कॉल्ड अ पॉलिनोमियल। ओके, चलिए, तो हमारे पास अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, हम एग्जांपल भी बहुत सारे लेंगे इस पे और एग्जांपल से भी आपको एक्सप्लेन करेंगे। तो पहले हम एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बनाएंगे, और जो वेरिएबल पर पावर होगा वो पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए। हमने आपको पॉजिटिव इंटीजर बताया हूँ क्या होता है, रियल नंबर में जब या नंबर सिस्टम में पढ़ा रहा था तो कितने टाइप के नंबर होते हैं, सारे टाइप के नंबर बताया था, उसमें पॉजिटिव इंटीजर, निगेटिव इंटीजर, होल नंबर, नेचुरल नंबर, रेशनल नंबर, फ्रैक्शन नंबर, सारे नंबर के बारे में बताया था। तो यहाँ पर आपको ये ध्यान मस्ट ध्यान देना है आपको कि आपका वेरिएबल के पावर पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए। तो आइए हम एक एग्जांपल लेते हैं, जिसे हमने फॉर एग्जांपल नंबर 1 लिया है, 2x3 प्लस √3x² माइनस 5x प्लस 10 इज अ पॉलिनोमियल। ये हमारा क्या है, पॉलिनोमियल है। अब जो हमारे अकॉर्डिंग टू डिफिनीशन जो मैंने पॉलिनोमियल का डिफिनीशन दिए हैं उसमें क्या ये एग्जांपल नंबर 1
फुलफिल हो रहा है तभी इसको पॉलिनोमियल बोल सकते हैं। तो एग्जाम्पल नंबर वन है 2x³ + √3x² - 5x + 10। तो हमारा एग्जाम्पल नंबर वन है, ये बोला इज ए पॉलिनोमियल, हमने लिखा है। तो ये पॉलिनोमियल तभी होगा जो अकॉर्डिंग टू डिफिनेशन उसके सारे कंडीशन फुलफिल हो सकते हैं। अगर उसमें से एक भी कंडीशन फुलफिल नहीं होंगे तो हम पॉलिनोमियल नहीं बोल सकते हैं। तो आइए देखते हैं पहले एक डिफिनेशन क्या होता है। एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन इन विच द पावर ऑफ वेरिएबल इज अ पॉजिटिव इंटीजर इज कॉल्ड अ पॉलिनोमियल। तो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, पहला ही पॉइंट है एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। तो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट, हाँ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है, आपको मैंने जो आपको 8 क्लास में सिखाया जाता है एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन बोलते हैं कि कॉम्बिनेशन ऑफ द एल्जेब्रिक साइन वेरिएबल एंड कॉन्स्टेंट इज कॉल्ड एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। कॉम्बिनेशन होता है इसमें, तो कुछ वेरिएबल नंबर होते हैं और कुछ कॉन्स्टेंट क्या नंबर नंबर होते हैं और अल्जेब्रिक साइन होते हैं। तो देखिए यहाँ वेरिएबल नंबर एक्स है, ये वेरिएबल है एक्स, एक्स वेरिएबल है, और 2, √3, 5 और 10 ये कॉन्स्टेंट नंबर है। तो हमारा इनको कंबाइन कर देते हैं तो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होता है। तो पहला है कि एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, तो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है इसमें कोई नो डाउट, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है पहला। उसके बाद बोला था कि पावर ऑफ द वेरिएबल इज पॉजिटिव इंटीजर, तो वेरिएबल के पावर क्या होना चाहिए, पॉजिटिव इंटीजर। तो वेरिएबल एक्स है उसके पावर जो है x², x³, x² पॉजिटिव है, हाँ पॉजिटिव है। तो ये भी हो गया कि वेरिएबल के पावर पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए जो पॉजिटिव इंटीजर है, तो इसलिए हम इसको हम पॉलिनोमियल बोल सकते हैं। ओके तो आइए हमने यहाँ एक्सप्लेन किया हूँ, हियर 2 √5 - 10 और सॉरी -5 एंड 10 आर द रियल नंबर्स एंड द पावर ऑफ द वेरिएबल आर 2, 3, 2, 1 एंड 0 विच आर पॉजिटिव इंटीजर। देख लीजिए जो मैंने बताया वहां नीचे लिख कर भी मैंने बता दिया कि पावर ऑफ वेरिएबल क्या होना चाहिए, पॉजिटिव इंटीजर। तो पॉजिटिव इंटीजर हो गया तब हम इसको हम पॉलिनोमियल बोल सकते हैं। तो फर्स्ट एग्जांपल हमारा पॉलिनोमियल है। आइए सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं, 4x³ + 5x + 3/x इज नॉट अ पोलिनोमियल। हम इसे बोला कि ये पोलिनोमियल नहीं है। तो अब क्यों पोलिनोमियल नहीं है, इसके लिए भी हम एक्सप्लेन करता हूँ आपको। अब देखिए ये क्या एग्जाम्पल नंबर जो 2 है वो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, नो डाउट एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, 100% एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है। तो एल्जेब कैसे एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, कैसे आप डिफाइन करेंगे दिस इज एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। तो इसको डिफाइन करने के लिए बोला था कि हमारे पास एल्जेब्रिक साइन होना चाहिए, कॉन्स्टेंट नंबर होना चाहिए, वेरिएबल नंबर होना चाहिए। जब उनको कंबाइन कर देंगे तो जो एक्सप्रेशन बनेगा उसे एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन बोलेंगे। तो केवल उसके लिए देखिए 4x³ + 5x + 3/x, तो इसका कॉम्बिनेशन हो गया, तो सबको मिला दे तो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है। तो क्या दिस एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन इज पोलिनोमियल, तब हम पोलिनोमियल के कारण जो डिफिनेशन उसको इस एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में अप्लाई करेंगे। तो पॉलिनोमियल के डिफिनेशन में बोला गया था कि वेरिएबल की जो पावर होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, निगेटिव नहीं होना चाहिए और क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। तो लेकिन यहाँ पर 4x³ + 5x, यहाँ तक तो वेरिएबल के पावर पॉजिटिव इंटीजर है, बट 3/x यहाँ पर जो x जब ऊपर जाएगा तो x के पावर कितना हो जाएगा, x कहाँ अभी, x कहाँ पर है अभी, x आपको है डिनोमिनेटर में, जब यही x न्यूमरेटर में जाएगा तो x के पावर -1 हो जाएगा। तो हम बोले थे कि वेरिएबल के पावर क्या होना चाहिए, पॉजिटिव इंटीजर, और दिस एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में वेरिएबल के पावर हो रहा है निगेटिव इंटीजर, तो इसलिए दिस नॉट अ पोलिनोमियल, ए पोलिनोमियल नहीं है। ओके मैंने यहाँ एक्सप्लेन भी किया है, हियर 3/x मीन्स 3 के पावर -1, वही ये कहाँ पर है डिनोमिनेटर में, जब न्यूमरेटर में गया तो 3 के पावर -1 हो गया, 3x के पावर -1 हो गया, 3x के पावर -1।
पावर ऑफ एक्स इज नॉट अ होल नंबर। अच्छा, एक आप ध्यान में देखिएगा, पॉजिटिव इंटीजर या होल नंबर एक ही बात होता है। तो देखिए, पावर जो है इसका एक्स का पावर होल नंबर नहीं है, मीन्स पॉजिटिव इंटीजर नहीं है, इसलिए एग्जाम्पल नंबर जो 2 है पॉलिनोमियल नहीं है। तो बारीकी से देखिएगा कि पॉलिनोमियल को डिफिनीशन जो है उस डिफिनीशन के कंडीशन को फुलफिल होना चाहिए। वेरिएबल की जो पावर होना चाहिए कभी भी निगेटिव नहीं होना चाहिए, वेरिएबल के पावर हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए, तभी हम उसे पॉलिनोमियल बोल सकते हैं। ओके, आइए अब हम आते हैं थर्ड एग्जाम्पल, एग्जाम्पल नंबर थर्ड। एक्स क्यूब माइनस 7x² प्लस 5x प्लस रूट अंडर माइनस 2 इज नॉट अ पोलिनोमियल। यहाँ पर भी देखिए, यहाँ वेरिएबल के पहले तो ये पोलिनोमियल ही नहीं है। पहले हम एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन चेक करेंगे कि दिस इज एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। तो जब ये एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन ही नहीं है तो पॉलिनोमियल हो ही नहीं सकता है। तो अब देखिए, हमारे पास जो नंबर होता है रूट अंडर माइनस 2 नहीं होता है, रूट अंडर माइनस 2 डज नॉट एग्जिस्ट। तो रूट अंडर माइनस 2 होता ही नहीं है, तो इसलिए पहले तो ये जो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन ही एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन ही नहीं है, क्योंकि हमारे पास हमने यहाँ लिखा भी है हियर रूट अंडर माइनस 2 इज नॉट अ पॉलिनोमियल ना। तो ये हमारा ये भी पॉलिनोमियल नहीं है, पावर तो पॉजिटिव है लेकिन यहाँ पर अंडर रूट माइनस 2 आ गया है, इसलिए देयरफॉर नॉट पॉलिनोमियल, इज नॉट अ पॉलिनोमियल, हियर रूट अंडर माइनस 2 इज नॉट अ पॉलिनोमियल। तो दोस्तों, आपको मैंने पॉलिनोमियल का डिफिनेशन बताया, आप कैसे एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को पॉलिनोमियल आइडेंटिफाई करेंगे। तो आप पहले इस डिफिनीशन को बारीकी से अपने नोटबुक में नोट करेंगे और फिर इसको इसी डिफिनीशन के अकॉर्डिंग मैंने कोई एग्जाम्पल नंबर 1, एग्जाम्पल नंबर 2, एग्जाम्पल नंबर 3 आपको एक्सप्लेन किए हैं कि कैसे और कब हम पॉलिनोमियल एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को बोल सकते हैं। विच एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन इज पॉलिनोमियल और विच एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन इज नॉट पॉलिनोमियल। तो इस कंसेप्ट को अच्छे से आप अच्छे से इसको सीखने का कोशिश करिएगा। ओके, आइए फिर नोट है हमारे पास, नोट मैंने लिखा है कि पॉलिनोमियल को कैसे डिनोट करते हैं। तो अ पॉलिनोमियल इन एक्स इज डिनोटेड बाय पी ऑफ एक्स। अगर एक्स का मतलब है कि अगर कोई पॉलिनोमियल एक्स में वेरिएबल है तो उसको हम डिनोट करेंगे पी ऑफ एक्स। जैसे ए पॉलिनोमियल हमने लिखा है तो ये किस में वेरिएबल है पॉलिनोमियल, दिस पॉलिनोमियल इज वेरिएबल इन एक्स, तो इसको हम लोग पी ऑफ एक्स इक्वल टू दिस। अगर दैट इज दैट दैट इन वाई तो हम उसको बाय पी ऑफ वाई लिखेंगे। अगर मान लीजिए कोई पॉलिनोमियल पी में वेरिएबल है, सॉरी वाई में वेरिएबल है, तो जैसे फॉर एन एग्जाम्पल बोल सकते हैं वाई स्क्वायर माइनस 2y+5, तो दिस इज आल्सो पॉलिनोमियल बट वेरिएबल इन वाई, वो वाई में वेरिएबल हो गया। तो आप ध्यान में रखेंगे कि नोट में हम लिखा नोट जो कि अ पॉलिनोमियल इन एक्स डिनोटेड बाय पी ऑफ एक्स दैट इन वाई बाय पी ऑफ वाई। तो आप इसको हम बता सकते हैं कोई कोई पी ऑफ टी में भी लिख सकता है, तो मीन्स वो पोलिनोमियल वेरिएबल इन टी। कोई पी ऑफ जेड भी लिख सकता है तो पोलिनोमियल वेरिएबल इन जेड। तो आपको ज्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, यहाँ स्पष्ट मैंने लिख दिया नेट नीट एंड क्लियर कि अगर कोई पॉलिनोमियल एक्स में वेरिएबल होगा तो उसे हम पी ऑफ एक्स लिखेंगे, अगर कोई पॉलिनोमियल वाई में वेरिएबल होगा तो हम उसको पी ऑफ वाई लिखेंगे। ओके, तो इस तरह से हम पॉलिनोमियल को डिनोट करते हैं। तो दोस्तों, तो हमने आपको बताया, क्या बताया, फर्स्ट इंट्रोडक्शन ऑफ पॉलिनोमियल, इंट्रोडक्शन ऑफ पॉलिनोमियल में पॉलिनोमियल का मैंने डिफिनेशन आपको बताया, फिर एग्जाम्पल 1, एग्जाम्पल 2, एग्जाम्पल 3, और हमने आपको बताया नोट करके बताया कि पॉलिनोमियल को कैसे डिनोट करते हैं। तो दोस्तों, आज के लिए इंट्रोडक्शन ऑफ पॉलिनोमियल, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग टाइप ऑफ द पॉलिनोमियल स्टडी करेंगे। तो इस पॉलिनोमियल के आप अच्छे से स्टडी करिए, इसको डिफिनेशन को बार बार स्टडी करिए। ओके, और आप एग्जाम्पल हम दिए हैं उसको ध्यान से दीजिए। तो ओके,
बाय, थैंक।